सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट पीपीएस के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर तो हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। रिसीव पीपीआर फॉर एसओडब्ल्यू पी प्लस किड। एप्लीकेशन डेट है 1 अगस्त 2021 की। रिव्यू स्टार्ट हुआ था इनका 19 अप्रैल 2022 को एंड फाइनली 1 जून 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। सो हैप्पी टू शेयर माई हैप्पीनेस। फाइल एप्लीकेशन डेट है 18 नवंबर 2021 की। 14 फरवरी 2021 को इनका मेडिकल अपडेट हुआ। किड्स का मेडिकल अपडेट हुआ था 11 फरवरी 2021 को। पीपीआर दोनों को मिल गई 1 जून 2022 को। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। फाइनली पीपीआर फॉर माई वाइफ एंड 2-year-old डॉटर। एप्लीकेशन डेट है 12 अक्टूबर 2021 की। मेडिकल हुआ इनका 10 फरवरी को। रिव्यू स्टार्ट हुआ 9 मई को एंड फाइनली 1 जून को इनको भी पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 5 मई 2021 की फाइल है। मेडिकल रिक्वेस्ट आफ्टर एक्सपायरी 19 मई 2022 को मिली। 28 मई को इनका मेडिकल अपडेट हुआ था एंड 31 मई को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई थी। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 27 अगस्त 2021 की फाइल है। सो अगस्त वाले नीचे कमेंट करके हमेशा पूछते थे कि अगस्त को भूल गए। सो अगस्त की पीपीआर हमें देखने को मिली है। 27 अगस्त 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक 31 अगस्त 2021 को। मेडिकल डन हुआ इनका 27 जुलाई 2021 को। अपडेट हो गया था 24 नवंबर 2021 को। रिव्यू स्टार्ट हुआ था इनका 22 अप्रैल को एंड बीवीएल एंड पीपीआर इनको मिली 1 जून 2022 को फ्रॉम अटावा। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 10 फरवरी 2022 की फाइल है। 10 फरवरी 2022 को ही इनकी सबमिशन कंफर्मेशन हुई। 22 मई 2022 को इनको रिक्वेस्ट लेटर मिला। 1 जून को इनको भी फाइनली पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 5 दिसंबर 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक इनके 22 दिसंबर 2021 को हुए। अपफ्रंट मेडिकल इनका 17 मार्च 2022 को हुआ। मेडिकल अपडेट 29 अप्रैल 2022 को हुआ एंड रिव्यू स्टार्ट 24 मई 2022 को हुआ एंड 1 जून को फाइनली इनको भी पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 4 दिसंबर 2021 की फाइल है। 5 दिसंबर को कंफर्मेशन आई। 5 दिसंबर 2021 को ही इनके बायोमेट्रिक हुए थे एंड 2 जून को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 23 अप्रैल 2021 की फाइल है। 24 अप्रैल को इनके बायोमेट्रिक हुए थे। इन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इनको 4 मई 2022 को मिली थी एंड उसके 1 मंथ बाद 1 जून 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी आज की वीडियो की आखिरी टाइमलाइन, जो 14 अगस्त 2021 की फाइल है। मेडिकल अपडेट 2 अक्टूबर को हुआ। 17 नवंबर को इनका मेडिकल अपडेट हो गया था। 11 मई 2022 को रिव्यू स्टार्ट हुआ एंड 2 जून को 10:10 पर रात को इनको पीपीआर मिल गई एंड इनका जो स्पाउस है वो कनाडा में है एंड अभी भी स्टडी पर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर डेली मेरी वीडियो देखते हो। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। टिल देन बाय बाय।